All your sorrow will turn into joy. It was indeed a great joy for us to pray for you today. My precious friend, Jesus loves you. मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। God has a very special blessing for you today. आज परमेश्वर ने आपके लिए एक विशेष आशीष को रखा हुआ है। He will hear all your cries and he will wipe away your tears. वह आपकी हर एक पुकार को सुनेगा, आपके हर एक आंसुओं को पोंछेगा। He'll be moved with compassion and he will forgive your sins. And remove those sinful natures from you. वह तरस से भर करके आपके अंदर के पाप को दूर करेगा और उस पाप के स्वभाव से आपको मुक्त करेगा। He will bestow everything that you have lost in double measure in your life. और जो भी आपने खोया है, आपके जीवन में दुगने हिस्से के साथ उसे स्थापित करेगा। He will bring together your family and give you great joy and abundant peace. वह आपके परिवार को फिर से एक करेगा, महान आनंद और आपको महान शांति के साथ भर देगा। He will resurrect everything in your life. और आपके जीवन में हर एक मृत चीजों को फिर से वह पुनर्जीवित कर देगा। Call the name Jesus, Jesus, Jesus. इसी समय बस आप यीशु नाम को पुकार कहें, यीशु, यीशु, यीशु। He is here with you. वह इस समय आपके पास है। He'll honor you more than anything. और वह आपको बहुत ही ज्यादा आदर देगा, किसी से भी बढ़कर। Let's listen to what He has for us today. तो आइए हम सुने आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। अब डॉक्टर पॉल दिनकरन द्वारा कड़प्पा में हुए सहभागियों के लिए विशेष प्रार्थना सभा में दिए गए संदेश के एक भाग सुनकर परमेश्वर के आशीष को पाइए। This morning the Lord told me. आज के सुबह प्रभु ने मुझसे कहा। That he is going to bless you according to Luke 6:38. कि वह आपको लुका 6 और उसके वचन 38 के अनुसार आशीष देने जा रहा है। Jesus says, "Give, and it shall be given." यीशु कहता है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। Give, and it shall be given. हाँ, दो और तुम्हें दिया जाएगा। You have given. आपने दिया है। You have given. आपने दिया है। You have given. आपने दिया है। And now it's time for you to be given. और ये समय है कि अब आपको दिया जाए। Firstly. How will it be given to you? सबसे पहली बात, आपको किस तरह से दिया जाएगा? In Malachi chapter 3 and verse 10. अगर हम मलाकी 3 और उसके वचन 10 को देखें, God says, as you bring your offerings to build His house, to meet the needs of His house, to have food in His house, He will open the storehouses in heaven. And pour down a blessing upon you, which you cannot hold. तो परमेश्वर वहाँ कहता है कि जब आप अपने दानों को परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा के लिए लाएंगे कि वहाँ पर भोजन वस्तु रहे, तो वह आपके लिए आकाश के झरोखों को खोलकर आपको आशीष देगा जिसे आप संभाल नहीं सकते। Yes, He is going to open the storehouse of heaven. And he's going to pour a blessing which you cannot hold. हाँ, वह स्वर्ग के झरोखों को खोल करके आशीषें ऐसी उंडेलेगा जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। Firstly, God's blessings from heaven are going to come upon you this morning. सबसे पहली बात, परमेश्वर की आशीषें स्वर्ग से आज आपके ऊपर में आने वाली हैं। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। How many of you are glad that God's blessings are going to come upon you? आप में से कितने जो हैं खुश हैं कि परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो आप पर आने वाली हैं। And secondly, the Bible says. और दूसरी बात बाइबल कहती है। Jesus says. यीशु ने कहा। Give and it shall be given unto you. दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। Men shall pour into your bosom, pressed down, shaken together. और लोग जो हैं हिला-हिलाकर, दबा-दबाकर तुम्हारी झोली में तुम्हारे लिए देंगे। When you give to God, first God pours His blessings. जब आप परमेश्वर को देते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर अपनी आशीषें उंडेलता है।
And secondly, men pour the blessings as God commands them to do it. और दूसरी बात, लोग जैसे परमेश्वर की आज्ञा होती है, अपनी आशीषें आपको देते हैं. When my father started as a teacher, जब मेरे पिता ने शिक्षक के रूप में कार्य शुरू किया था, and gave his offerings, और अपने दान देना उन्हें शुरू किया, he said, Lord, when I teach, nobody listens. उन्हें कहा, प्रभु, जब मैं पढ़ाता हूँ, कोई भी नहीं सुनता. So please give me another job. इसलिए आप मुझे एक दूसरी नौकरी दीजिए. So God gave him a job as a clerk in the bank. तो परमेश्वर ने उन्हें बैंक में एक क्लर्क की नौकरी दी. He became the clerk in the State Bank of India. और वो State Bank of India में क्लर्क बन गए. Oh, it was like entering a royal service those days. और उन दिनों में वो तो मानो एक राज सेवा में प्रवेश करने जैसा था. And he got more salary. और उन्हें और भी ज्यादा तनख्वाह मिली. And then he said, Lord, I'll give more to you. अब उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपको और दूंगा. He gave more to God's servants and God's ministry. उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई और सेवकों के लिए और ज्यादा देना शुरू किया. But then God opened his heart. लेकिन तब प्रभु ने उनके हृदय को खोला. He said, How long you have to be a clerk? और उन्होंने कहा कि तू कब तक ऐसे क्लर्क रहेगा? I have to raise you, my son. मेरे बेटे, मुझे तुझे उन्नत करना होगा. So continue to study and write your departmental exam in the bank. इसलिए तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखो और अपने बैंक के विभागीय परीक्षाओं में शामिल होते रहो. So my father would work late in the night till 9 o'clock. तो मेरे पिता जो है रात 9 बजे तक वह काम करते. It was at that time I was born. और वही समय था जब मैं पैदा हुआ था. And he would pray for hours. और वो घंटों प्रार्थना करते थे. And go out in the streets and preach about Jesus. और सड़कों पर जाकर यीशु का प्रचार करते थे. With all that, और इन सब के साथ, he started studying for his bank exams. वो अपने बैंक की परीक्षा के लिए पढ़ाई करने लगे. Today, many young people say, आज बहुत से जवान कहते हैं, Uncle, I find it difficult to study departmental exams, study for the competitive examinations. अंकल, मुझे बड़ी ही तकलीफ होती है कि मैं अपने departmental competitive exam की तैयारी करूं. I am planning to leave my job. मैं सोच रहा हूं अपनी नौकरी छोड़ दूं. They can't manage one job. वे एक काम को भी संभाल नहीं पाते हैं. They want to leave the job and study full time for competitive exam. वो अपनी नौकरी छोड़ करके पूरे समय competitive exam की तैयारी करना चाहते हैं. My friend, मेरे मित्रों, when you are connected to God, जब आप ईश्वर से जुड़े होते हैं, the Lord will strengthen you. प्रभु आपको बलवंत करेगा. Philippians 4:13, Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. फिलिप्पी 4:13 में पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु में जो मुझे बल देता है सब कुछ कर सकता हूँ. With all this, my father studied for the bank exams. और इन सारे कामों के साथ मेरे पिता बैंक की परीक्षा की तैयारी करते रहे. God blessed his efforts. परमेश्वर ने उनके प्रयत्न को आशीषित किया. Straight away he passed the bank exams. और वो सीधे बैंक की परीक्षा में पास हो गए. And he became an officer. और वो एक अधिकारी बन गए. And God gave him wisdom. प्रभु ने उन्हें बुद्धि दी. God opened his heart. उनके हृदय को परमेश्वर ने खोला. And the salary began to increase. और उनकी तनख्वाह जो थी बढ़ने लग गई. And men started pouring into his bosom. और लोग जो थे उनके गोदी में डालने लगे आशीषों को. He got promoted. उनका प्रमोशन हुआ. Every promotion came on time. और हर एक प्रमोशन के लिए समय पर आता गया. Because of his performance in the bank. उनके उस कार्य के कारण जो वो बैंक में करते थे. Yes, he was preaching the gospel on the streets. हाँ, वो सड़कों पर सुसमाचार प्रचार करते. Took care of the family. परिवार की चिंता करते. Worked hard. बहुत कठिन मेहनत करते. But also studied and rose up. लेकिन उन्हें अध्ययन भी किया और वो उन्नत हुए. And fulfill the requirements of the job. और नौकरी की हर एक अर्हता को पूरा किया. Every promotion came. और हर एक पदोन्नति उन्हें मिल गई. And he rose up to a level where he was in charge of business for 700 branches of the State Bank of India. और वो एक ऐसे ऊंचे स्तर तक पहुंचे कि State Bank of India के 700 बैंकों के वे व्यवसाय के अधिकारी बने. Along with that, he was preaching to millions of people. और उसके साथ वो लाखों के लिए प्रचार करते रहे. That is the grace God gives you. यही वो अनुग्रह है जो परमेश्वर आपको देता है. You will have the power and the strength to manage your family. अपने परिवार को संभालने के लिए आप में बुद्धि और वो ताकत होगी. Manage your job and be a success in it. कि आप अपनी नौकरी को संभाल करके उसमें सफल हो. Be a blessing to thousands of homes. हजारों परिवारों के लिए आप एक आशीष का कारण बने. And still be connected to God. और तो भी ईश्वर से आप जुड़े रहें. That is what God wants to give you. यही तो परमेश्वर चाहता है आपको दे. Men will pour into your bosom. You will rise up in this world in stature. लोग आपकी झोली में डालते जाएंगे और आप जो है पद में संसार में बढ़ते चले जाएंगे.
Everything that you do will prosper. आप जो कुछ भी करेंगे सब उन्नत होगा. This grace is coming upon you even today. आज भी यही अनुग्रह आप पर आ रहा है. Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो. Luke 2:52. लुका 2:52 के अनुसार. Jesus grew in stature. यीशु जो है कद में बढ़ने लगे. He grew in wisdom. वो बुद्धि में बढ़ने लगे. Jesus grew in the grace of God. वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने लगे. And in the favor with men. और मनुष्यों के अनुग्रह में भी. This blessing is coming upon you even this morning. आज यही आशीष आपके ऊपर भी आ रही है दोस्तों. You will rise up in stature in the world and you will prosper in the world. इस संसार में आपका कद बढ़ जाएगा और आप उन्नत हो जाएंगे. The Holy Spirit will do everything for you. पवित्र आत्मा आपके लिए सब कुछ करेगा. When God filled me with the Holy Spirit. जब परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा से भरा. He said, "I will be your only friend, Paul." तो उसने कहा कि पॉल मैं तुम्हारा एकमात्र मित्र होऊंगा. He sat with me and taught me everything. वो मेरे साथ बैठ करके मुझे सब कुछ सिखाता रहा. That's how I finished my degree after degree. और ऐसे ही मैंने एक के बाद अपनी एक डिग्री पूरी की. The age of 26, I finished my PhD. और 26 वर्ष की उम्र में मैंने अपनी PhD खत्म की. In management science. Management science में. And he would teach me how to build the Karunya University. और वो सिखाने लगे कि कैसे कारुण्या विश्वविद्यालय को बनाऊं. And how to establish. और कैसे उसे स्थापित करूं. He would teach me how to establish the Jesus Calls Ministry. उसने मुझे सिखाया कि कैसे यीशु बुलाता सेवकाई को स्थापित करूं. Every day. प्रतिदिन. Every day. प्रतिदिन. And we have the love of millions of people today. और आज हमारे साथ लाखों लोगों का प्रेम बना है. Millions of people are pouring into our bosom their love all the time. हमेशा लाखों लोग हमारी झोली में अपना प्रेम उंडेलते जाते हैं. We are blessed as the Dinakaran family to serve God and serve people. और दिनाकरण परिवार के रूप में हम धन्य हुए हैं कि परमेश्वर और लोगों की सेवा करें. Because God speaks to us every day. क्योंकि परमेश्वर प्रतिदिन हमसे बात करता है. And men pour their love into our bosom. और लोग अपना प्रेम हमारी झोली में उंडेलते जाते हैं. God will bless you also in the same way. वैसे ही प्रभु आपको भी आशीष देगा. And finally, और अंत में, in Malachi 3 and verse 11, मलाकी 3 और वचन 11 में, the Lord will curse the devourer for your sakes. परमेश्वर जो है, उस नाश करने वाले को आपके निमित्त रोकेगा. As you give your offering to God, जब आप अपना दान ईश्वर को देते हैं, the Lord will bind the devil who steals the blessing. परमेश्वर उस दुष्ट को जो आपकी आशीषों को चुराता है बांधेगा. You will never see the devils again. अब आप कभी भी दुष्ट आत्माओं को नहीं देखेंगे. The witchcraft cannot touch you. जादू टोना आपको छू नहीं पाएगा. And wicked people's schemes cannot overcome you. दुष्टों की योजनाएं आपके खिलाफ प्रबल न होंगी. Thousands may rise up by your side. आपके बगल में हजारों खड़े होंगे. Your eyes only will look at them. केवल आपकी आंख उन्हें देखेगी. No harm will come to you. लेकिन कोई हानि आपको न होगी. No harm will come to you. कोई हानि आपको न होगी. God will curse the devourer for your sake. आपके निमित्त परमेश्वर उस नाश करने वाले को श्रापित करेगा. And in Hebrews 13:20. और इब्रानी 13:20 में. Romans 16:20. रोमियो 16:20 में. He will crush Satan under your feet. वह आपके पांव तले उस शैतान के सर को कुचलेगा. The devourer cannot touch you. विनाशक आपको छू न पाएगा. Satan cannot touch you. शैतान आपको छू न पाएगा. The demon powers cannot touch you. दुष्ट की शक्तियां आपको छू न पाएंगी. Because you give your offering to God. क्योंकि आप अपना दान ईश्वर को देते हैं. Because you pour your love upon Jesus. क्योंकि आप अपना प्रेम यीशु पर उंडेलते हैं. Because you fulfill the will of God in your life. क्योंकि अपने जीवन में आप ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं. And you're a blessing to others. और औरों के लिए आशीष का कारण है. You're a blessing to others in the name of Jesus. यीशु के नाम में औरों के लिए आशीष का कारण है. Even this morning. आज की सुबह भी. The Lord told me He's going to fill every one of your hearts with the blessings of heaven. प्रभु यीशु ने कहा कि वो आप में से हर एक के हृदय को स्वर्ग की आशीषों से भर देंगे. You cannot hold it. आप उसे संभाल नहीं पाएंगे. You will overflow with God the Holy Spirit from today. आज से आप परमेश्वर पवित्र आत्मा से उमड़ने लगेंगे. How many of you are longing for the Holy Spirit? आप से कितने पवित्र आत्मा के लिए लालायित हैं? Show your hands to Jesus. यीशु को अपने हाथ दिखाएं. Tell him, Lord, I need you. कहे प्रभु मुझे आप चाहिए. I need a heavenly blessing. मुझे आपकी स्वर्गीय आशीष चाहिए. Fill me, Lord. मुझे भर दे प्रभु. Ask and it shall be given. मांगो और तुम्हें दिया जाएगा. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. As you have given. जब आपने दिया है. Now the Lord will give. अब प्रभु आपको देगा. Heaven will give. स्वर्ग आपको देगा. And God will make men to give. और परमेश्वर लोगों को भारेगा आपको देने के लिए. And he will bind Satan who
brings his problems. और शैतान को जो आपके लिए जीवन में परेशानियां लाता है बांधेगा. You are God's people. आप ईश्वर के लोग हैं. Do not be afraid. इसलिए ना डरें. Let's look to God in prayer. आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर को निहारें. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Father, these thy children who have given their offering to the ministry to bless millions of other people. पिताजी, इन लोगों ने जबकि लाखों लोगों को आशीष देने के लिए आज अपना दान आपको दिया है. May you remember them today, Lord. प्रभु जी, आप आज उन्हें स्मरण करें. Bless them. उन्हें आशीष दें. Let your glory come upon them. आपकी महिमा उन पर आ जाए. Father, पिताजी, reward those who have given liberally. जिनने उदारता के साथ दिया है प्रभु जी, आप उन्हें प्रतिफल दें. Give them 100 times, Lord. प्रभु जी, आप उन्हें 100 गुना प्रतिफल प्रदान करें. Let them not lack any good thing from this moment. इसी घड़ी से उन्हें किसी भी भली वस्तु की कोई भी घटी ना हो प्रभु. Honor them with good health. आप उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के साथ आदर दें. Every unnecessary expenditure stop in this family, in this life, in Jesus' name. इस परिवार में यीशु के नाम से हर एक अनावश्यक खर्च और परेशानी जो है रुक जा. Mr. Raman, God touched your ear. Your hearing problem is healed. Mr. Raman, प्रभु ने आपके कान को छुआ है, आपके सुनने की समस्या का निदान किया है. Shamsuddin, God touched you right now. Your right leg has an infection. Jesus heals that leg right now. Shamsuddin, प्रभु ने आपको छुआ है, आपके दाहिने पांव के संक्रमण को यीशु मसीह ने इसी समय छूकर ठीक किया है. Edwin, Rekha, God touched you right now. The Holy Spirit is uniting you, making you hear His voice, and you shall have a beautiful family life. Edwin और रेखा, प्रभु आपको फिर से एक कर रहा है. वो आपको अपनी आवाज सुना रहा है ताकि आप फिर से एक बार एक खूबसूरत परिवार का निर्माण करें. Father, remember your children and build a beautiful house for them. पिताजी, अपने संतानों को स्मरण करें और आप उनके लिए खूबसूरत परिवार का निर्माण करें. In all that they have asked, they have glorified you. So provide everything to honor them. उन्हें जो कुछ भी मांगा है उसमें आपकी महिमा दी है प्रभु, इसलिए आप उनको हर एक बातों से उत्तर देकर के परिपूर्ण करें. I see a person called Sanjeevi and Stephen. Lord, enlarge their territory and prosper the ministry, Lord, that you have graciously given him. मैं नाम देखता हूँ संजीवी और स्टीफन. प्रभु जी, आप उनके क्षेत्र को बढ़ाएं और आप उन्हें महान रूप से उन्नत करें. Thank you for blessing thy children. अपने संतानों को आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद. In Jesus name. यीशु के नाम में. God bless you. आमीन. परमेश्वर आपको आशीष दे. मेरा नाम चंद्रन है. मेरा वाइफ का नाम त्रिमलाकनी. मेरा 2 छोकरी 1 छोकरा है. उसका मैगलिन मेरी, सिंधुजा प्रकाश. हम लोग शादी हो गए 23 साल हो गया. 1986 में मेरा शादी हुआ. फिर 5 साल पचा नहीं. सबको, सब लोग ऐसे ऐसे बोलता था, पचा नहीं, ये पचा नहीं होएगा, वो नहीं होएगा. सब को मेरे को थोड़ा ऐसे बात करता था. मेरा मन में बहुत दुखता बोले तो बहुत दुखता. टीवी प्रोग्राम वो देखा, जीसस काल वो ये देख के, पालते नगर देख के, कैसे भी करके उनका बच्चा हो गया. परमानेंट नौकरी करता था मिल में, परमानेंट जॉब. कंपनी में मैं रीडर था, 150 आदमी का मैं रीडर था. उसमें मेरा नौकरी चला गया. नौकरी जाने के बाद मैं बहुत तकलीफ में हो गया. वो मैं जीसस काल वो प्रोग्राम में देखता था, कभी कभी मैं भी देखता था. देखते 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 हम लोग को बात सुन 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 के मेरे को ज़्यादा कभी कभी रोने के भी आ जाता था. इतना मेरा मन में बैठ गया. Man looks at the face. मनुष्य तो चेहरे को देखता है. But God looks at your heart. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देखता है. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these blessings and needs that you have will be met by God, and it every blessing will be added to you. पहले, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें, और उसके बाद ये सारी आशीषें और आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में की जाएंगी. फेयर करते 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 नौकरी अच्छा मिल गया. नौकरी अच्छा मिलने लगा, नौकरी वो भी नौकरी मेरे को परमानेंट हो गया. परमानेंट होने के बाद फिर बच्चा भी मेरा हो गया. 1 का 2 बच्चा हो गया, 2 का 3 बच्चा हो गया. 3 बच्चे के बाद फिर लास्ट में अभी घर छोटा पड़ गया करके हम लोग दूसरा बड़ा घर लेके 1 लाख डिपोस्ट में लेके चले गए. 1 लाख डिपोस्ट में लेके जाने के बाद वो घर वाला मेरे को खाली करने की बोल दिया. खाली करने को बोलेगा तो वो भाड़ा ज़्यादा मांग रहा था. मेरे को मिलता था 6,000 पगार.
और वो घर वाला 2000 रुपये भाड़ा मांग रहा था, भाड़ा मेरे से नहीं दिया जाएगा करके। अब मेरे पास ये 1 लाख रुपया है और 2 लाख रुपये डाल के अपन खुद का घर ले लेंगे करके। घर के तलाशी में हुआ, घर के तलाशी में मैं सिस्टर्स कॉल को फ़ोन किया, हम लोग ऐसा ऐसा बात है, ऐसा हम लोग को घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए। और फिर उन्होंने मैं फेयर किया, फिर बाद में इतना पैसा था मेरे पास आ ही नहीं था, मेरे पास आ ही 4 लाख रुपया था। इसमें से इसने 5000 रुपये निकाल के जीसस काल के लिए अलग रख दिया, मेरे को मालूम नहीं, इसने निकाल के रख दिया। पहले जीसस काल को पैसा देंगे, पहले डेली जीसस काल बनाने के लिए 1 फुट जगह के लिए 5000 हम देंगे, बाद में अपना काम अपने आप होएगा, कोई फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा करके ये चल में रहता था ये चल में मेरे को वापस घर मिला। बोले तो डबल, ये बाजू भी मेरे को मैदान, वो बाजू में इतना बड़ा घर मेरे को मिला। जिस तरह परमेश्वर ने इस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार प्रदान कर उसके जीवन को आशीषों से भर दिया है, वही परमेश्वर आपको भी आशीषें प्रदान करेगा। परमेश्वर ने भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन को इस राष्ट्रीय प्रार्थना भवन को निर्माण करने की आज्ञा 11 अगस्त 2008 में दी थी और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए 4 सितंबर 2010 में उन्होंने इस राष्ट्रीय प्रार्थना भवन का उद्घाटन किया। Today we offer this prayer tower, the Delhi National Prayer Tower of Jesus Calls, to pray 24 hours for our nation. और आज 5 सालों से ये प्रार्थना भवन इस देश की समृद्धि और आशीषों के लिए 2400 घंटे प्रार्थना कर रहा है। हर रोज भारी मात्रा में लोग दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय प्रार्थना भवन में प्रार्थना करवाने आते हैं और हम उनकी सुविधा और आराम के लिए इस प्रार्थना भवन को और भी विस्तार रूप से निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। आप इस नेक कार्य में हमारी मदद कर परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त कीजिए। दिल्ली प्रार्थना भवन के विस्तार के लिए हमको 1000 रुपए देने वाले 20,000 लोगों की जरूरत है, 5,000 रुपए देने वाले 4,000 लोगों की जरूरत है, 10,000 रुपए देने वाले 2,000 लोगों की जरूरत है। आप अपनी दान राशियों को जीसस कॉल्स के नाम पर चेक, डीडी और ईएमओ के द्वारा इस पते पर भेजें। हमारा पता है प्रार्थना भवन, नंबर 16, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन रोड, चेन्नई 600028। आप अपनी दान राशियों को हमारी सुरक्षित वेबसाइट पर भी दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jesuscalls.org। आप अपने दान राशियों को अपने निकटतम के यीशु बुलाता के प्रार्थना भवन में भी दे सकते हैं। आप परमेश्वर का घर बनाइए, वो आपका घर बनाएगा। Dearly beloved brother from Varanasi, UP, may the Lord bless you and thank you for your thank offering. Varanasi, UP से भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी धन्यवाद की भेंटों के लिए धन्यवाद। According to Isaiah 32:18, God will give you peaceful dwelling places, secure home and undisturbed place of rest. यशया 32:18 के अनुसार परमेश्वर आपको शांति देगा, विश्राम के लिए अच्छी जगह देगा और ऐसी विश्राम की जगह देगा जहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। Lord bless our brother and sister, give them good health and blessing in the family. हमारे इन भाई बहन को आशीष दे प्रभु, अच्छी तंदुरुस्ती दे, परिवार में आशीष दे। Bless their 2 daughters with a permanent job, wonderful life partners, golden future and spiritual anointing. इनकी दोनों बेटियों को परमानेंट नौकरी दे, अद्भुत जीवन साथी दे प्रभु और उज्जवल भविष्य दे और तेरा अभिषेक दे। We thank you for this family which loves you so much. Empower them and honor them. In Jesus' name we humbly pray, Lord. Amen. God bless you. इस परिवार के लिए तेरे धन्यवाद जो तुझसे बहुत प्यार करता है। इन सामर्थ्य आदर दे प्रभु, यीशु के नाम में नम्रता से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। Dearly beloved brother Sanjay Stanislaus Besra from Jharkhand, thank you for your thank offering. प्यारे भाई संजय स्टैनिस्लॉस बेसरा, झारखंड से आपकी धन्यवाद की भेंटों के लिए धन्यवाद। Your first month's salary you have given to honor the Lord through Jesus Calls Ministry. May the Lord bless you according to Micah 7:15. God says, I will show you my wonders. आपने अपनी पहली तनख्वाह यहाँ पर प्रभु के आदर के लिए दी है, जीसस कॉल सेवकाई के लिए। मीका 7:15 के अनुसार परमेश्वर कहता है कि मैं अपने अद्भुत काम तुझे दिखाऊंगा
परमेश्वर आपको आशीष दे। Father, I pray for Sanjay. Bless him because he has honored you with the first salary, first fruit. Keep him first in everything and prosper him in his job and in largest territory and elevate him. प्रार्थना करता हूँ भाई संजय को आशीष दे क्योंकि पहली तनख्वाह तुझे दी है प्रभु। पहला फल दिया हर बातों में ने पहला रख प्रभु। इनकी नौकरी मैंने संपन्न कर इनकी सीमाओं को बढ़ाते चले जा ऊंचाइयों पर लेकर जा। Bless his dear wife Sonia with a government job, Lord, and give them a beautiful child by the power of God. Bless the family. इनकी प्यारी पत्नी सोनिका को सरकारी नौकरी देकर आशीष दे। इन्हें परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा एक सुंदर बच्चा दे। इस परिवार को आशीष दे। Bless dear parents, Mr. Nathaniel Narayan. Lord, heal the sugar problem. और इनके पिताजी नथानियल नारायण को आशीष दे प्रभु। शुगर प्रॉब्लम को चंगाई दे। And Mrs. Rita Nirupama, bless her with good health, Lord. और रीटा निरुपमा को अच्छी तंदुरुस्ती दे प्रभु। And Shika Besra have great success in the 12th and have a medical seat. In Jesus' name we humbly pray. और शिखा बेसरा 12वीं में बहुत ही अच्छी सफलता पाएं और मेडिकल सीट पाए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. God bless you. Mr. Manish Aaron Massey and Mrs. Ankita Massey from Varanasi. Happy 12th wedding anniversary. Mr. Manish Aaron Massey और मिसेस अनीता मैसी वाराणसी से आपकी शादी की 12वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। God bless you richly and may he reward you greatly according to Isaiah 55:12. You will go out in joy and be led forth in peace. May the Lord give you divine grace to enjoy every blessing. परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे, प्रतिफल दे। यशया 55:12 के अनुसार आप बड़े आनंद के साथ बाहर जाएंगे और शांति में आपकी अगुवाई होगी। परमेश्वर अपना अलौकिक अनुग्रह दे कि आप हर एक आशीष का आनंद उठाएं। Father, bless our brother Manish and dear sister Ankita Massey. Lord, give them the green card and let the family move to the US and have Lord every joy in the property issue and let there be anointing of your Holy Spirit in their lives. पिता हमारे भाई मनीष और प्यारी बहन अंकिता मैसी को आशीष दे। प्रभु इन्हें ग्रीन कार्ड दे और ये पूरा परिवार यूएस में जा सके। प्रॉपर्टी की सारी बात तू हल कर प्रभु और इनके जीवन में पवित्र आत्मा का आनंद होने पाए। ब्लेस देयर बिलव्ड डॉटर एंजल विद विजडम टू बिकम अ प्लैनेटरी साइंटिस्ट इन नासा। लॉर्ड ऑनर हर लॉर्ड एंड गिव हर एडमिशन इनटू द कैल्टेक। Lord, honor her with financial blessings and provisions from heaven. प्यारी बेटी एंजल को बुद्धि दे प्रभु कि नासा में प्लैनेटरी साइंटिस्ट हो जाएं। इन्हें तू आदर दे प्रभु और कैल्टेक में एडमिशन दे। स्वर्ग से प्रभु आर्थिक आशीष देकर प्रयोजन करके इनका आदर कर। In Jesus name, Amen. God bless you. अब यीशु बुलाता है कि टेलीविजन सेवकाई के सहभागी बनिए ताकि आपके इस अनमोल सहयोग से हम करोड़ों के आंसुओं को पोंछ सकें। इस कार्यक्रम के द्वारा अपने प्रिय जनों को उत्साहित कर उनके जीवन के विशेष अवसरों को यादगार बनाइए। Dear Mr. D. Lejeune Matthew from Raipur, thank you for being a partner of this ministry and sponsoring today's program. धन्यवाद आपके सहभागिता के लिए और आज के कार्यक्रम को प्रायोजित करने के लिए। Mrs. Bela Tiga from Ranchi, today along with you I wish dear daughter Elisa Tirki a happy birthday. I want to wish Mr. Narendra Anand and Mrs. Veena from Nagpur a happy blessed wedding anniversary today. Dear Mrs. Mabel Arthur Lewis, Jesus Calls Ambassador from Vadodara, Gujarat, thank you for sending your thank offering and sponsoring today's program. अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करें। As you support this program, you will bless millions of people. Millions. And those blessings will come upon you and your family. अपनों के जीवन में खुशियां भर, दूसरों के जीवन को आशीषित कीजिए।